भारत की सबसे सफल महिला एथलीट ओलंपिक्स के लिहाज से पीवी सिंधु सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं। और सिंधु, सबसे पहला सवाल, दो ओलंपिक मेडल, गोल्ड मेडल खोने का ज्यादा दुख है या ब्रॉन्ज मेडल जीतने का की ज्यादा खुशी है? क्योंकि मैच जीती आप, आपकी जो वो एक्साइटमेंट थी, जो खुशी थी, वो देखते बन रही थी। मतलब अभी एट द मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में डेफिनेटली ब्रॉन्ज मेडल लेके आना कंट्री के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि लॉट ऑफ इमोशन, बहुत इमोशंस था जब मैं कल खेल रही थी, कल हार गई थी, बट टूर्नामेंट फिनिश नहीं हुआ और ब्रॉन्ज मेडल मैच था, तो मैंने बस यही सोचा कि मैं वो ब्रॉन्ज मेडल कंट्री के लिए लेके आना है. तो एट द मोमेंट अभी शायद मेरे लिए ब्रॉन्ज बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल मेडल लेके आना कंट्री के लिए एक प्राउड मोमेंट है और मैंने लेके आया सेकेंड टाइम. पहले रियो में था और अभी टोक्यो में, तो मैं बहुत खुश हूँ. सिंधु, आपकी आइसक्रीम की जो ख्वाहिश है वो बड़ी फेमस हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी आपको अब तो कह दिया है कि वो भी इंतजार कर रहे हैं आपका वापस लौटने का, ताकि आप उनके साथ बैठें और आइसक्रीम शेयर करें। तो उस लिहाज से आप फाइनली ये जो डाइट, सर स्ट्रिक्ट से, डाइट पे हाँ थी। सर से मैंने मैंने बात किया था, सर मुझे कंग्रेचुलेट किया था पीएम सर ने, मोदी सर ने, और डेफिनेटली बोला था कि आइसक्रीम खाना है करके. तो या डेफिनेटली आई विल डू दैट. तो इट्स डेफिनेटली अ प्राउड मोमेंट, क्योंकि उन्होंने भी बोला था जब मैं टोक्यो के लिए जा रही थी, तब वीडियो कॉल में बोला था. तो सिंधु, रियो में जब आप उतरी थी, आज से 5 साल पुरानी, अब तो खैर बहुत पुरानी बात लगती है, और तब आप जो खिलाड़ी थी और आज जो खिलाड़ी हैं, इस बार ज्यादा प्रेशर था क्योंकि आप एक बड़ी पेडिग्री के साथ इस टूर्नामेंट में उतर रही थी, क्योंकि आप एक रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन हैं, फिलहाल एक सिल्वर मेडलिस्ट रह चुकी हैं। तो शायद से ऐसा था कि कहा जा रहा था कि शी वुड बी द प्लेयर टू बीट, ताइजू भी थी, बट आप पे ज्यादा प्रेशर था एक्सपेक्टेशंस का। एक्सपेक्टेशन था, प्रेशर भी है, बस मैं यही माइंड सेट में गई थी कि मैं अच्छा खेलना है और मेरा बेस्ट देना है, तो मैं वो दिया था और ऑब्वियसली मेडल आया था मेरे लिए. और प्रेशर तो है, आई मीन सब लोग बोल रहे थे कि हाँ मेडल वापस लेके आना है, बट आई मीन जब हम कोर्ट में जा रहे तो बस एक ही रहना है कि हम अच्छा खेल के, वी हैव टू गिव 100%, तो वही था. सबसे पहले क्या करेंगे आप इंडिया लौट के, या फिर वही परेड जो ओपन बस में आपके जो पिछली बार हुआ था, वो तो खैर बहुत ही ज्यादा हो गया था ऐसा लगा, हालांकि अब ना हो पाए वो, पर सबसे ज्यादा सबसे पहले आपने क्या करने का इरादा है अभी वहां आकर पता क्या? नहीं, क्योंकि ये पैंडमिक की वजह से आई डोंट नो हाउ इज इट गोइंग टू बी देयर, और बस आई जस्ट वांट टू बी इन द मोमेंट और बस मैं एंजॉय करना चाहती हूँ. सिंधु, आखिरी सवाल, सिल्वर आ चुका है, ब्रॉन्ज आ चुका है, और पेरिस जो है बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 3 साल दूर है सिर्फ। मुझे पता है कि आप एंजॉय करना चाहेंगी फिलहाल इस मोमेंट को, बट पेरिस में हम सिंधु को क्या देख रहे हैं दोबारा और देख रहे हैं, तो वो एक आखिरी जो मेडल है वो भी ले डालेंगी। बस अभी के लिए आई एम इन द मोमेंट, आई वांट टू एंजॉय द मोमेंट, और डेफिनेटली पेरिस खेलूंगी एंड आई विल गिव माय बेस्ट एंड प्ले माय 100%. सिंधु, ऑल द बेस्ट और मेनी कंग्रेचुलेशन, होपफुली पेरिस में भी आपको देखेंगे और गोल्ड मेडल के साथ देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।